चलिए अब रुक करते हैं भोपाल का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रेडक्लिफ स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म का मामला। बच्ची के अभिभावक आक्रोशित हैं, स्कूल से बच्चे को निकालने की मांग कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल से निकालने की मांग अभिभावक कर रहे हैं, दोषी पर कड़ी कार्यवाही, कड़ी सजा दिलाने की ये मांग कर रहे हैं। रेडक्लिफ स्कूल के सामने पुलिस बल को तैनात किया गया है। मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में संगठनों की अब एंट्री हो गई है। संस्कृति बचाओ मंच ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया है। एबीवीपी के छात्र छात्राएं भी इसमें प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको, जहां मासूम के साथ, 3 साल की मासूम के साथ स्कूल में दुष्कर्म हुआ था। आरोपी शिक्षक था, उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं अब इस मामले में अभिभावक गुस्से में हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं, बच्चों को स्कूल से निकालने की मांग कर रहे हैं, साथ ही दोषी पर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में संगठनों की एंट्री हो गई है। संस्कृति बचाओ मंच ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया, एबीवीपी के छात्र छात्राएं भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। चलिए इस खबर पर सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता का। जी प्रिंस जी, 3 साल की बच्ची के साथ, मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। अब इस मामले में संगठनों की एंट्री हो गई, एबीवीपी भी प्रदर्शन कर रहा है, संस्कृति बचाओ मंच भी प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ अभिभावक गुस्से में है, अपने उस स्कूल से बच्चों को निकालने की मांग कर रहे हैं, और जो दोषी है उस पर कड़ी सजा उसको मिले ऐसी मांग कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ पूरी अपडेट है? जी बिल्कुल, बड़ा हंगामा हो रहा है आज, और खास तौर से अगर हम बात करें रेडक्लिफ स्कूल के बाहर, आप देख पा रहे होंगे काफी संगठनों के साथ जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी काफी नारेबाजी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के साथ संस्कृति बचाओ मंच के जो सदस्य हैं, वो लोग भी काफी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और काफी रोष जता रहे हैं, काफी आक्रोश है सभी लोगों में। खास तौर से अगर बात करें तो जो जिस कासिम रेहान ने 3 वर्ष की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया है, जिसके चलते इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बयान दिया है, वीजी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी बुरी और बेकार घटना, इस तरह का अगर कोई मध्य प्रदेश और राजधानी में कोई घटना होती है तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कासिम रेहान को वैसे तो कस्टडी में ले लिया गया है, और निश्चित ही कहीं ना कहीं अब जो ये संगठन है और इतने तमाम जो परिवार के लोग हैं, अभिभावक हैं, देख रहे होंगे कि नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको कड़ी सजा दी जाए, और कई लोग तो फांसी की सजा, मौत की सजा जैसी बात भी कर रहे हैं। हम कुछ अभिभावकों से बात करने की कोशिश करते हैं। बड़ी दुर्घटना है, बड़ा ये हुआ है, बच्चियों को कहीं सेफ नहीं माना जा रहा, आप लोग सड़क पर है, नारेबाजी कर रहे हैं स्कूल के सामने, क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स का कितना आक्रोश है, किस तरह से वो कह रहे हैं कि आग लगा दीजिए, तमाम तरह से इसको नेस्तनाबूद कर दीजिए, क्योंकि घटना बड़ी है, मासूम बच्ची के साथ इस तरह की दुर्घटना हुई है। इससे पहले भी एक तो हॉस्टल, बोर्डिंग हॉस्टल में इस तरह की घटना हुई थी और सरकार ने सख्त कदम उठाए थे। वैसे भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको लेकर काफी सचेत होते हैं, इस तरह की अगर महिलाओं के साथ कुछ घटनाएं और दुर्घटनाएं होती है उसको लेकर लगातार कड़े फैसले लिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। खासतौर से ऐसे लोगों के घर भी तोड़े जा रहे हैं। आप एबीवीपी के लोग भी हैं, कुछ लोग हैं, किस तरह से आप लेते हैं इस घटना को और आज क्या चाहते हैं प्रशासन और सरकार से? तत्काल प्रभाव में मान्यता रद्द की जाए, और ऐसे जिहादियों को जिनकी मानसिकता इस प्रकार की है, ऐसों को ऐसे स्कूल में, क्या किसी भी स्कूल में जो हिंदू बहुल क्षेत्र का स्कूल है, वहां पर इनका सर्टिफाइड किया गया, इनको भगाओ वहां से, क्योंकि इनकी मानसिकता है। हम जब बच्चियों को देखते हैं, हमारे मन में भाव देवी का आता है, इनके मन में इसी प्रकार के भाव आते हैं, इन्हीं के द्वारा क्यों किया जा रहा है कृत्य? तत्काल में फांसी हो और यहाँ पर प्रतिबंध करा जाए, और इसी प्रकार 10 साल पहले भी यही हुआ। जी जी, पुलिस प्रशासन की भी भूमिका संदिग्ध है, थाना प्रभारी की भी संदिग्ध भूमिका है, और 120B के तहत साजिशन स्कूल प्रशासन पे कार्रवाई की जाए, आरोपी बनाया जाए उसको। जी बिल्कुल, स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई करने की बात हो रही है, और खास तौर पर
जो बात हो रही है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, यानी कड़ी सजा और कार्रवाई को लेकर ये बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि आक्रोश लगातार है, लगभग 2 से 2.5 घंटे से ये लोग स्कूल के सामने खड़े होकर बलात्कारी को फांसी देने की बात कर रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अक्सर ऐसी घटनाओं पर चंद्रशेखर तिवारी हमेशा मुखर होते हैं, आज की ये घटना मध्य प्रदेश और भोपाल के लिए किस तरह से देखते और इस तरह की घटनाएं न हो तो उसके लिए क्या चाहते? देखिए, संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू समाज ने मिलकर आज यहाँ पर पुतला दहन किया कासिम रेहान का। मुझे समझ नहीं आता कि 2 घंटे में गिरफ्तारी भी हो गई, 2 घंटे में उसकी जांच भी हो गई और 2 घंटे में उसको जेल भी भेज दिया गया। 3 महीने से हमारी बालिका के साथ बलात्कार करने वाला व्यक्ति, जिसने खुद ने कबूल किया, उसकी क्या रिमांड नहीं लेनी चाहिए थी? अब एक ही बात है कि बलात्कारी की एक ही सजा, लिंग तन से जुदा, जो बलात्कार करेगा उसका लिंग सरे राह काट दिया जाएगा। यहाँ पर हमने उसका प्रतीकात्मक जो है पुतला दहन किया, अगर आज वो खुद मौजूद होता तो उसका भी दहन हम कर देते। इस स्कूल की हम मान्यता रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और जब तक रद्द नहीं होगी, मैडम ने बोला SDM साहब ने कि हम तत्काल रद्द कर रहे हैं, इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए और इसमें जो पूर्व प्रिंसिपल था वो भी बलात्कारी था, इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, इसकी लीज निरस्त होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि मान्यता रद्द होना चाहिए, स्कूल की लीज रद्द होना चाहिए और हर तरह से स्कूल पर जो भी प्रशासनिक कार्यवाही है होना चाहिए। ये स्कूल हमेशा पहले भी कई विवादों में रहा, इससे पहले भी कई तरह के सवाल इस पर उठते रहे, आज भी इस तरह की घटना हुई है तो स्वाभाविक सी बात है कि तमाम लोग जो सड़क पर उतरकर इस घटना का विरोध जता रहे हैं, स्कूल को के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह की दुर्घटना है और जो खास तौर से बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके बच्चे कितने सेफ हैं उनकी, उनको लेकर काफी चिंता का विषय बताया जा रहा है और कड़ी सजा की बात कर रहे हैं। भले उस संगठन हो, तमाम सामाजिक संगठनों की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, वो बच्चे भी हैं कई लोग। अब थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कुछ लोग लगातार स्कूल से बाहर निकलते दिखाई दे रहे थे। चूंकि घटना बड़ी हो गई है और आक्रोश ज्यादा है जनता में, सड़क पर जनता है, लोग हैं, परिवार के लोग हैं और खास तौर से पेरेंट्स हैं। पुतला दहन भी आप देखेंगे कि अभी जैसा उन्होंने कहा कि कासिम रेहान का पुतला दहन भी किया गया है, अभी उसमें से धुआं ही निकल रहा है। और संस्कृति बचाओ मंच के जो कार्यकर्ता है उनका कहना था कि अगर कासिम रेहान सामने होता तो हम उसको इस तरह से जिंदा जला देते, यानी कि आक्रोश स्वाभाविक है और इस तरह से अगर आक्रोशित लोग हैं तो प्रशासन और सरकार कड़े कदम निश्चित तौर पर उठाएगी। मुख्यमंत्री जी ने भी इस तरह का बयान कल दिया था कि वो इस तरह की दुर्घटनाओं पर, इस तरह का अगर बालिकाओं के साथ कुछ होता है तो उसको लेकर कड़े कदम सरकार उठाएगी और निश्चित ही ये लोग भी सब यही चाहते हैं कि बड़े से बड़े कदम और कड़े कदम उठाए जाएं। जी निश्चित, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे थे, जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, कल ही ये घटना हुई थी। इसको लेकर आज विभिन्न संगठन सड़क पर उतर आए हैं और आक्रोशित अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से निकालने की मांग कर रहे हैं, साथ ही दोषी पर कड़ी कार्यवाही और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।